एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम समोखन रखा गया। समोखन घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने समोखन बहुत बिगड़ दिया था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं था। समोखन की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण समोखन को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। और वही व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को समोखन के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने समोखन को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो समोखन को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने समोखन को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक दो वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर समोखन को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई समोखन की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। समोखन से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने का बोलता, जिसे समोखन बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब लोगों को समोखन को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण समोखन को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन समोखन को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार समोखन सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज समोखन को मेहनत का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी ने कहा, देखो समोखन, जिस तरह आज तुम मेहनत करके धन लाया है ना, मैंने भी उसी तरह से मेहनत व मुशक्कत और पसीना बहा करके अपना व्यापार को आगे बढ़ाया है। यह सुनकर समोखन को अब समझ आ गया था और समोखन ने माफी मांगी। व्यापारी ने समोखन को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया, और समोखन मेहनत के साथ व्यापार को बढ़ाता चले गया और खूब तरक्की की। शिक्षा: मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि समोखन और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते, लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती।